और क्या हाल चाल भाई लोग, तो स्वागत है नए वीडियो में। तो आज डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे न्यूज निकल के आ रही है, कुछ अच्छी न्यूज तो कुछ खराब न्यूज। तो मैं डिस्कस करूंगा एक अच्छी न्यूज के बारे में और एक खराब न्यूज के बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं खराब न्यूज से। तो पहले आप कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि कल्याण चौबे साहब ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि हम जो इंडियन स्क्वाड है, पूरी टीम है, इंक्लूडिंग कोचेस एंड फिजिशियो एंड ऑल प्लेयर्स, हम सबको चार्टर्ड प्लेन के थ्रू एक साथ फ्राइडे तक भेज देंगे अभा। अभा वो जगह है जहां पे कि इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो 22 मार्च को खेलने जा रहा है अगेंस्ट द अफगानिस्तान अवे मैच इन सऊदी अरेबिया। ये बात थी, चार्टर्ड प्लेन वाली बात थी। और ये अगस्त मैच का कहना था कि आप हमें भेजोगे तो जो बीच में जो समय खराब होता है वो खराब नहीं होगा, हम सीधा टाइम पे वहां पे पहुंच जाएंगे। अब ये जो बात थी, अब ये बात हो चुकी है खत्म, क्योंकि चार्टर्ड प्लेन का आइडिया हो चुका है ड्रॉप। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि ना हमारे पास बजट नहीं है, और दूसरी बात अनअवेलेबिलिटी ऑफ चार्टर्ड प्लेन। तो जो दूसरा रीजन दिया है कि चार्टर्ड प्लेन अभी अवेलेबल नहीं है, वो एकदम आई डोंट थिंक सो ये होगा। आई थिंक बजट वाले ही इशू है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अफोर्ड ही नहीं कर पाया। जबकि कल्याण चौबे का कहना ये था कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इंडियन नेशनल टीम को चार्टर्ड प्लेन के थ्रू भेजेंगे। बट अब ठीक है, वॉट एवर, अब हो गया तो हो गया, कोई क्या कह सकता है। ट्राई करा होगा ऑब्वियसली, कल्याण चौबे ने ट्राई करा होगा, प्रेसिडेंट ने ट्राई करा ही होगा, बट बजट उन्होंने देखा कि बजट तो हमारा हिला हुआ है तो हम भेज नहीं पाएंगे, तो प्लान ड्रॉप कर दिया गया। अभा वाली बात पे एक सहमत ये हूं कि इगोस्ट मैच का ये कहना था कि जो अभा है, जहां अभा जो जगह है सऊदी अरेबिया में, ये कम से कम 2200 मीटर एबव है सी लेवल के। ठीक है, जैसे हम लोग इंडिया में ऑन एन एवरेज जो इंडियन प्लेस है वो 200 से लेके 150 ही मीटर एबव है सी लेवल से। ठीक है, तो जो 2200 मीटर एबव सी लेवल से जो प्लेसेस है और जो 150 मीटर एबव सी लेवल प्लेसेस है, उनके बीच में ऑक्सीजन में थोड़ा अंतर आता है। जैसे मैं यहां इंडिया में हूं तो मुझे ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही होगी, अगर मैं 2200 मीटर जाऊंगा दूर ऊंचाई पे तो मुझे ऑक्सीजन थोड़ी कम मिलेगी, तो उस तरह से आपको ढलना पड़ता है। मैं अगर इंडिया वाला बंदा अगर अभा में जाएगा तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपको 90 मिनट खेलना है तो थोड़ा तकलीफ हो सकती है, तो आपको इस इन्वायरमेंट में सेट होना पड़ता है। तो ये कहना था कि हम थोड़ा टाइम पे पहुंचेंगे, पहले पहुंचेंगे, अगर समय नहीं बर्बाद करेंगे तो हमारे पास एक सप्ताह से ज्यादा समय रहेगा कि हम आराम से बैठे और हमारा इन्वायरमेंट में हम सेट हो जाए, हमारे बॉडी सेट हो जाए, तो वो ऑक्सीजन की कमी नहीं समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमें जाकर वहां 90 मिनट खेलना है, हम उसके यूज टू नहीं है, हम बस 150 मीटर ऊपर रहते हैं। तो एक वो था, एक बहुत वैलिड रीजन था, बट ठीक है, अब नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, अब क्या ही कर सकते हैं। कहने के तो बहुत कुछ बोली जाती है, अब हो नहीं पाता है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा कि जो इंडियन नेशनल टीम है, एक जो दो बैच में जाएगी, अब एक बैच पहुंचेगी फ्राइडे इवनिंग तक पहुंच जाएगी अभा में, उसके लिए वहां वो दिल्ली से फ्लाइट लेंगे, जाएंगे जेदा, फिर जेदा से फ्लाइट लेकर पहुंचेंगे कहाँ, अभा। वो ज्वाइंट फ्लाइट होगी, एक जगह रुकना पड़ेगा उनको। और जो दूसरा बैच है वो सैटरडे इवनिंग तक पहुंचेगा, सैटरडे इवनिंग तक इसलिए पहुंचेगा क्योंकि कल एफसी गोवा और बेंगलुरु एफसी का मैच है। तो बेंगलुरु एफसी और एफसी गोवा के जो इंडियंस प्लेयर हैं, जिनको सेलेक्ट करा है इगोर स्टीमेज साहब ने, वो थोड़े लेट जाएंगे, एक दिन लेट जाएंगे, वो सैटरडे इवनिंग को पहुंचेंगे। अगर चार्टर्ड प्लेन होती तो एक साथ सब के सब चले जाते, तो एक ये एक थोड़ा सा जो प्री प्लान था वो थोड़ा सा चेंज हो गई है कि अब इस तरीके से करना पड़ेगा। चार्टर्ड प्लेन का आइडिया हो चुका है ड्रॉप। और दूसरी सबसे बड़ी न्यूज, ये बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने मैनेजर का, इगोर स्टीमेज का। और इस बात को बोलने से पहले जो मुझे पहले कॉन्फिडेंस आता था कि हमारे मैनेजर ने ऐसे ऐसे बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा, अब वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहा। बट फिर भी मैं आपको बात बताता हूं, इगोर स्टीमेच ने पूरी अथॉरिटी के साथ एक इंटरव्यू में, पूरा कॉन्फिडेंस के इंटरव्यू में ये बोला है रिपोर्टर से, कि रिपोर्टर ने ये पूछा था कि क्या इंडिया वर्ल्ड कप राउंड 3 में क्वालिफाई करने जा रही, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। तो इगोर स्टीमेच ने आंखों में देखते हुए रिपोर्टर की ये बोला है कि हम 3rd राउंड ऑफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में क्वालिफाई करने जा रहे हैं पहली बार हिस्ट्री के, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो ये लाइन है, ये स्टेटमेंट है। अब देखो, ये तो बात तभी पता चल जाएगी जब मैच इंडिया 22 मार्च को अवे और फिर 26 मार्च को होम में गेम खेलेगा अगेंस्ट द अफगानिस्तान, तभी बात क्लियर हो जाएगी कि इंडिया नेक्स्ट राउंड में जा रहा है या
नहीं, बट अगर इंडिया ये दो मैच जीत भी जाती है तो एक और हर्डल है, इंडिया को कुवैत को हराना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इंडिया अफगानिस्तान के दो मैच जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि कुवैत भी एक अच्छी टीम है और कुवैत भी हरा देगी किसको, अफगानिस्तान को। तो वो जो जून में जो मैच होने जा रहा है अगेंस्ट द कुवैत, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पे इगोस्ट मैच का ये कहना है कि हमारा जो आईएसएल है इंडियन सुपर लीग, वो मैच खत्म हो जाएगा मई में ही, इंडियन सुपर लीग खत्म हो जाएगा और जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर से कुवैत से वो होगा जून में। तो हमारे पास 1 महीने का पूरा समय है और इगोस्ट मैच का ये कहना है कि जब मेरे पास अपनी प्लेयरों के पास जब ज्यादा समय होता है ट्रेन करने के लिए, लंबा कैंप मिलता है और उस टाइम मुझे 4 वीक का कैंप मिलेगा, तो मैं वो ऐसे करके दिखाऊंगा कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मैंने मुझे जब जब लंबा समय मिला है, जब 3 हम टूर्नामेंट जीते थे इंडिया में, मुझे लंबा कैंप मिला था, मेरी बात सुनी गई थी, इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। और जब आईएसएल खत्म होगा और मुझे 4 वीक का जब मुझे कैंप मिलेगी, तो आई विल शो यू कि इंडिया कैसे खेलता है कुवैत के खिलाफ और कुवैत को हराएगा इंडिया इन कोलकाता, क्योंकि वो मैच होगा कोलकाता में, आपको तो पता ही है। तो वो मैच कोलकाता में इंडिया हराएगा और पहली बार हिस्ट्री में जाएगा थर्ड राउंड में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के। तो ये कहना है इगोरिस्ट मैच का, अगर इगोरिस्ट मैच ये बात एफसी एशियन कप या कुछ समय पहले बोले होते तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता है इन सब चीजों पे, बट राइट नाउ जिस तरीके से इनकी बातें कुछ और होती है और एक्चुअल में कुछ और चीजें हो जाती हैं, तो अब मुझे उतना भरोसा नहीं रहा। लेकिन स्टिल अगर आपका मैनेजर इतना कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट पे, अपने क्वालिटी पे, अपने मेहनत पे, तो इट्स ओके गुड, आप ऐसा सोच रहे हो तो आप करके दिखाओ, अदरवाइज फिर क्या ही कहना भाई, क्या ही कहना। आपको क्या लगता है इगोरिस्ट मैच का ऐसे कहना आपको कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि इंडिया नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करेगा, और ये चार्टर्ड प्लेन वाली कहानी पर आपका क्या कहना है कि ये कैसे कैसे क्या हो गया, पहले चार्टर्ड प्लेन के थ्रू जाने वाले थे, अब वो प्लान ड्रॉप हो गया, अब हम जाएंगे फ्लाइट से, वो भी ज्वाइंट फ्लाइट से, थोड़ा समय लगेगा। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है, आप अपने बातें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।